बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं प्राइस बॉन्ड मीडिया पाकिस्तान। तो दोस्तों, जैसा कि 15 जनवरी 2021 को हैदराबाद में 750 रुपये वाले प्राइस बॉन्ड की करारदादी है, तो इसी सिलसिला में मैंने भी कुछ प्राइस बॉन्ड खरीदे हैं। पांच प्राइस बॉन्ड है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो करारदादी है 15 जनवरी को, तो इसके मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ कि अगर और जब आप ख़रीदने जाए तो क्या क्या चीज़ें आपने चेक करनी है और कौन से प्राइस बॉन्ड लेने हैं, वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो सबसे पहले ये दो काम कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों, ये प्राइस बॉन्ड है 032513, 8 फरवरी 2000 को इशू डेट है इसकी, और 750 रुपये। इसी तरह तीन चार मैंने टोटल पांच लिए हैं, और आपने भी दुआ करनी कि मेरा नाम लगे, और बेस्ट विशेस आपके लिए भी। तो दोस्तों, ये प्राइस बॉन्ड है जिसका 750 वाली प्राइस बॉन्ड का पहला जो है नाम है वो है 15 लाख रुपये मालियत, और दूसरा जो है नाम है उसकी मालियत 5 लाख है, और इसका जो तीसरा नाम है थर्ड, वो 1696 इनामात होते हैं जिनमें से हर प्राइस बॉन्ड की जो मालियत होती है वो होती है 9300 रुपये। और फाइलर से जो है वो 15% के हिसाब से टैक्स काटा जाएगा, जबकि नॉन फाइलर से 30% के हिसाब से टैक्स काटा जाएगा। 15 और 30% टैक्स कटने के बाद आपको अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। स्टेट बैंक में अब पॉलिसी चेंज हो चुकी है, पहले बाय कैश आपको मिल जाता था जो थर्ड प्राइस होता था, लेकिन अब उन्होंने कोरोना की वजह से टोटल आपके अकाउंट में सारे फंड जो होते हैं आपके क्लेम वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये प्राइस बॉन्ड है 805734, और इसकी इशू डेट है 7 नवंबर 2016, और ये नंबर आपने प्राइस बॉन्ड सारा डिटेल से चेक करना है। उस पे 750 का प्राइस बॉन्ड है, उस पे इशू डेट जब वो मार्केट में आए तो क्या डेट है थी, उसके ऊपर लोगो बना हुआ है कि नहीं, मोनोग्राम नंबर आपने चेक करना है। उसके नीचे भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, गवर्नर के साइन देखने हुए हैं कि नहीं, और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सेंटर में लिखा है, और उसके बाद ये 750। यूवी लाइट में भी एक दो निशानी है इसकी होती है, वो भी आपने चेक कर लेनी है कि इस साइड पे कायदे आजम की तस्वीर सी बनी नज़र आती है, और लाइन आपने चेक कर लेनी है। तो ये तमाम निशानियाँ थी, ये मेरे पास कुछ प्राइस बॉन्ड है, ये ऑलरेडी क्लेम भी हुए हैं और किसी का निकला भी होगा पहले। ये देखें, ये प्राइस बॉन्ड जो है ये क्लेम हो चुका है पहले भी, मतलब कि किसी करारदादी में निकला हुआ है। ये आप डॉट देख सकते हैं, और इसके पीछे लिखा हुआ है जिसने भी क्लेम करवाया है 2017 में। तो दोस्तों, ये प्राइस बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन थी, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कोई बड़ा नाम निकला है, और आप सबके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। ये जो प्राइस बोर्ड है दोस्तों, ये इशू डेट से कुछ दिन पहले बड़ा फर्स्ट इनाम निकला भी हुआ है 15 लाख रुपये मालियत का, लेकिन इशू डेट इसकी 7 नवंबर 2016 है, लेकिन ये कोई जनवरी की करारदादी में निकला हुआ है 15 लाख रुपये का। तो ये क्लेम नहीं हो सकता क्योंकि ये बाद में इशू हुआ था और ये नंबर पहले भी निकला हुआ है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान से देखा करनी है, ये नहीं करना कि अभी ख़रीदा है और वो पुरानी किसी करारदादी में निकला है तो आपने पहुंच जाना है क्लेम करवाने। इन चीज़ों को आपने पहले चेक कर लेना है कि ये ड्रा से इशू डेट जो है वो बाद वाले ड्रा में निकली है, तो फिर आप वैलिड है करवा सकते हैं। और फॉर्म फिल करने का तरीका भी मैंने अपने चैनल पर बताया हुआ है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं किस तरह से फॉर्म फिल करना है और प्राइस बॉन्ड को क्लेम करवाना है। तो ये थी बातें आज की,
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।